न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र के रुख का किया समर्थन, कहा सरकार ने सही किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने स्वप्रभु और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देकर सही काम किया है। G20 समिट से पहले द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की कि इसके साथ ही उन्होंने घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का उपयोग करने पर चेताया भी है। यूक्रेन रूस युद्ध पर बोले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यूक्रेन रूस युद्ध पर सरकार की सख्त कूटनीतिक स्थिति से निपटने की बात पर कहा कि केंद्र ने बहुत सही काम किया है। मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जब दो या दो से अधिक शक्तियां संघर्ष में फंस जाते हैं तो अन्य देशों पर पक्ष चुनने का भारी दबाव होता है। मेरा मानना है कि भारत में शांति की अपील करते हुए अपने स्वप्रभु और आर्थिक हितों को पहले रखकर सही काम किया। उन्होंने कहा, सुरक्षा संबंधित विवादों को निपटाने में मंच के रूप में G20 की परिकल्पना कभी नहीं की गई थी। G20 के लिए जरूरी है कि सुरक्षा मतभेदों को दूर रखा जाए और जलवायु असमानता, वैश्विक व्यापार में विश्वास की चुनौतियों से निपटने के लिए नीति समन्वय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की एक बार फिर जीत। पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2321 वोटों से हराया। 8 सितंबर उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। एक बार फिर बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी है। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2321 वोटों से शिकस्त दी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के सीधी टक्कर देने को मिली है। कांटे की टक्कर के बावजूद बीजेपी ने अपनी इस सीट को कांग्रेस के पास जाने नहीं दिया है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपनी जीत के लिए बागेश्वर की जनता का आभार जताया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को जीत की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बाबा बागनाथ की पवित्र भूमि बागेश्वर की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास जताने को हृदय तलत आभार। उन्होंने कहा कि ये विजय मातृशक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों की हमारी सरकार पर अटूट विश्वास का परिणाम है। इस उपचुनाव में बागेश्वर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और राज्य सरकार की नीतियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत स्वयं चंदन रामदास को श्रद्धांजलि है। उनके समय के रुके हुए कार्यों और उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बधाई दी। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चांडी ओमन की जीत का अंतर 36,000 के पास, अंतिम आंकड़ों का इंतजार। पुदुपल्ली उपचुनाव में पड़े वोटों की गिनती पूरी होने पर और अंतिम आंकड़ों की प्रतीक्षा के बीच कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन की जीत का अंतर 36,454 वोटों तक पहुंच गया है। अधिकारियों द्वारा अंतिम मिलाने के बाद अंतिम आंकड़े आने की उम्मीद है। 36,000 का आंकड़ा पार करके उन्होंने अपने पिता ओमन चांडी को 2011 में मिली सबसे बड़ी जीत का अंतर तोड़ दिया है। ओमन चांडी ने 2011 में 33,255 के अंतर से जीत हासिल की थी, जो 1,970 के बाद उनकी 12 जीतों के सबसे अधिक है। इस घटना क्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व रक्षा मंत्री AK एटनी ने कहा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो गई। एटनी ने कहा कि मैंने कहा था कि जीत का अंतर CPI के लिए करारा झटका होगा और वही हुआ। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मन के चांडी के प्रति ऐसा प्यार और श्रद्धा थी। अंतिम घोषणा से पहले ही केरल के राज्यपाल आफरीफ मोहम्मद खान के चांडी ओमन को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी और उम्मीद है कि वह अपने महान पिता का अनुकरण करेंगे। ओमन चांडी की पत्नी मरिम्बा ओमन चांडी ने अपने पति की कब्र के पास बैठकर कहा कि दुख के बीच यह एक खुशी की खबर है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।